नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी दिए जाने पर ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि न्याय की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की गरिमा सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में आज सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। इसी के साथ ही दिसंबर 2012 में एक मेडिकल छात्रा के साथ निर्मम तरीके से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को आखिरकार उनके किए की सजा मिल गई। निर्भया केस में दोषियों की फांसी के बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उनके मृत शरीर को परिजन उनके पैतृक गांव ले गए। वहीं विनय और पवन का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया गया। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने 16 बागी कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे पास इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार है। मैंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के 16 बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर के सभी मॉल बंद करने का फैसला लिया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 210 हुई, जबकि 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 रेस्टोरेंट पर छापा मारा। बंद करने के आदेश के बावजूद ये रेस्टोरेंट खुले पाए गए थे। देशमुख ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद आज कमलनाथ ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि देर रात कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। कमलनाथ के इस्तीफे की घोषणा के बाद सिंधिया ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव ये मानना रहा है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते में भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 संख्या के साथ मध्यम श्रेणी में रहा। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इससे आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सुधर सकती है। आज विश्व गोरैया दिवस है और यह हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया में गोरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मना रहा है। गोरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गोरैया दिवस मनाया गया था। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। वह कोरोना वायरस की रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें 15 मार्च को ही कनिका लंदन से लखनऊ आई थी और एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कर्मियों की मिलीभगत से वॉशरूम में छिपकर निकल भाग गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के म्यूजिक वीडियो भुला दूंगा का सिद्धनाज फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। गुड न्यूज यह है कि सिद्धनाज का ये रोमांटिक ट्रैक 24 मार्च को रिलीज किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया। We'll be right back.